नमस्कार दोस्तों, बाढ़ पर ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो आपने देखा होगा तो शुरुआत हमने यहीं से करी थी और हल्की हल्की से जो बाढ़ की पानी थी वो दिख रही थी, लेकिन दूसरी वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि कहीं भी जमीन दिख नहीं रही है, चारों तरफ पानी खिंच चुका है और विस्तार होता चला जा रहा है। इस वक्त मैं एक पुल के ऊपर हूँ जिस वजह से पानी लोअर देन यानी कि नीचे दिख रही है, और आगे भी आपको दिखाएंगे कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे सर के ऊपर आने वाली है बाढ़ का पानी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख ही पा रहे हैं सड़क से मिनिमम 2 फीट या फिर 1.5 फीट नीचे पानी है। और इस वक्त हम जो है लोकप्रिय यानी कि वो सड़क जो एक गांव जाती है मेन रोड से होकर के, तो वो सड़क है, यानी ये सड़क डूब गई तो गांव वालों का जो लिंक है मेन रोड से टूट जाएगा, और वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं उसके बाजू में ही मेन रोड है। और अभी आप सामने देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं वो है बांध, रेलवे बांध, जिस वजह से कह सकते हैं कि पानी कहीं ना हद तक रुका रहता है। अभी हम आपको वहीं लेकर चलते हैं और आपको साफ साफ दिखाते हैं कि वहां का नजारा कैसा है। रेलवे बांध है, हालांकि उस पर पूरी तरह से काम किया नहीं गया है, थोड़ा आगे काम हुआ है, लेकिन इधर सिर्फ मिट्टीकरण हुई है जिस वजह से ये अभी कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचे है। तो अभी निचले स्तर में हम आपको घुमाएंगे और यहाँ पे मछली मारने के लिए जाल बुना जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखिएगा, ये दूसरा वीडियो है। और इस वक्त हम है रेलवे बांध पे चल रहे हैं साइकिल पर, और एक हाथ से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और एक हाथ से साइकिल थामे हुए हैं। सामने देख रहे हैं वो है बतकों का झुंड, यानी बतकों का झुंड। वो सब कहें तो खुश है क्योंकि उनके चारों तरफ पानी ही पानी है, और ऐसा जीव जो पानी में जिसे मजा आता हो उसके लिए तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है। और यहाँ पे सैकड़ों हजारों के तादाद में बतक है, हालांकि गाँव में भी कई सारे लोग होते हैं जो बतक पालते हैं, जिनका व्यवसाय चलता है इनसे, जो इनका अंडा बेचते हैं या फिर बतख ही बेचते हैं मुर्गे की तरह। उनके लिए काफी बेहतर है कि चारों तरफ पानी है, छोड़ दो, पालतू बतख है, भागता भी नहीं है क्योंकि ये उड़ नहीं सकता, ज्यादा दूर डर के मारे जाता भी नहीं है। और फिलहाल देखते रहिए, और हाँ आपके मन में कोई विचार हो, और हाँ एक भी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो है बिहार के दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान प्रखंड का, उसके आसपास के गांव का, ताकि आप असमंजस में ना पड़ जाए कि ये वीडियो है कहाँ का। फिलहाल ये जो आप इलाका देख रहे हैं चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ये हमारे गांव के पास का इलाका है। कई तरह के रोड आपने देखे, एक जगह का वीडियो हमने आपको नहीं दिखाया है, हर एक जगह से क्लिप काट काट के बना बना के आपको दिखाए हैं ताकि समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं रोड, मात्र ये रोड लगभग 3-4 फीट ऊपर है, तो इसे डूबने में 2 से 3 दिन लग जाएगा। इसे भी आपने पहले वाले वीडियो में देखा था, काफी हद तक पानी इसमें भी ऊपर आ चुका है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।